भैया जी, जब मैं पहली में था तब अंडा थैली में लाता था और तब अंडा 2.5 रुपए का मिलता था। फिर आए ये लोग, इन्होंने कहा संडे हो या मंडे। इसके बाद फिर अंडे की डिमांड इतनी बढ़ी कि अचानक अंडा 5 रुपए का हो गया और अब अंडा 8 रुपए में मिलता है। फिर भी सिर्फ भारत में ही रोजाना 20 से 25 करोड़ मुर्गी के अंडे की खपत होती है। इसका मतलब इंडिया में अब अंडे का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रोजाना इतने अंडे कैसे पैदा किए जाते हैं? ये अंडे मुर्गी से ही निकलते हैं या हमारे साथ अलग ही झोल हो रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, अपनी रोजाना खपत के लिए कोई भी सामान्य इंसान कुछ मुर्गी घर में ही पालकर अंडे की जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन भारत के इतने लोगों के पास करोड़ों में अंडा पहुंचाना तो बहुत मुश्किल काम बन जाता है। इसीलिए अंडे को किसी छोटे फार्म में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पोल्ट्री फार्म में बनाया जाता है। अंडा बनने की सबसे पहली शुरुआत होती है एक ह्यूज पोल्ट्री फार्म से, जो काफी बड़े जगह में फैला होता है। यह फार्म पूरी तरह से मुर्गियों के लिए उनके वातावरण के हिसाब से बनाया जाता है ताकि उनके बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाए। इन मुर्गियों को धूप के संपर्क में भी रखा जाता है ताकि उनके शरीर का विकास अच्छी तरीके से हो। यहाँ पर मुर्गियों के लिए खाना भी बिछा दिया जाता है ताकि वह किसी गलत कीड़े को ना खा ले। उसके साथ में इनके पानी पीने के लिए एक छोटा सा पाइप भी लगाया जाता है और इस तरह से धीरे धीरे यह छोटी मुर्गियाँ कुछ ही समय बाद एक मादा मुर्गी का रूप ले लेती है। एक बार यह मुर्गियाँ बड़ी हो जाए तो इनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट भी बनाए जाते हैं, जिनमें एक बार में 8 से 10 मुर्गियाँ एक कंपार्टमेंट में रहती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुर्गियों को रहने के लिए काफ़ी कम जगह मिलती है। मुर्गियों को खाना पानी इत्यादि चीज़ें इसी कंपार्टमेंट में मिलती है। सुबह शाम खाना पानी होने के बाद इन मुर्गियों को एक निर्धारित समय पर खुले जमीन पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर यह मुर्गियाँ आराम से फ्री होकर टहल सकती है और इसी दौरान काफ़ी सारी मुर्गियाँ यहाँ पर अंडा भी छोड़ देती है। अभी जो अंडा निकला, क्या आप बता सकते हैं आगे जाकर यह बॉयल होने वाला है या इसका ऑमलेट बनने वाला है? लेकिन इसका जवाब देकर शायद आपको कुछ ना मिले, लेकिन आप ऐसे ही अपने ओपिनियंस देकर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, वो भी जिन जिन चीजों में आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है उन्हीं सवालों के ओपिनियंस बस यस और नो में देकर, और इस तरीके को ओपिनियन ट्रेडिंग कहते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फोन नंबर डालकर रजिस्टर कर लेने के बाद इसमें अपने इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको न्यूज, क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, आईपीएल जैसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अपने जनरल नॉलेज का यूज करके आसानी से इन सवालों में ओपिनियंस देकर अर्निंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सवाल दिख रहा है, क्या राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2022 के लिए प्लेऑफ क्वालिफाई कर पाएगी? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे 4 रुपया लगाने पर 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर मुझे अपने ओपिनियंस पर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है तो अपने क्वांटिटी को बढ़ा भी सकता हूँ, जिससे मैं ज्यादा पैसे जीत पाऊंगा और ये जीता हुआ पैसा आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा, जिसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और ओपिनियन ट्रेडिंग से पैसे कमाओ। तो अभी तक ये मुर्गियाँ यहीं पर घूम घूम कर काफी सारे अंडे जमा कर देती है, पर इन्हें उठाना आसान काम नहीं है क्योंकि यह अंडे काफी नरम होते हैं और ये आसानी से टूट भी सकते हैं। इसके लिए एक मोशन डिटेक्टर से चलने वाला मशीन लगाया जाता है जो अंडे को सेंस करके उन्हें उठा लेता है। इस मशीन को ऐसे ही बनाया जाता है कि इसमें कोई अंडा भी चला जाए और इस पर कोई चोट भी ना लगे। इस मशीन से ना तो मुर्गियों को खतरा होता है और ना ही अंडे को, इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अंडे को तो ले आए, पर क्या मुर्गी वापस घर जाएगी? दोस्तों, मुर्गियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है, उन्हें पकड़कर कंपार्टमेंट में रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मुर्गी को वापस उसके कंपार्टमेंट में रखने के लिए इस बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आगे की तरफ दो बड़े घूमने वाले रबर के सिलेंडर्स लगे होते हैं। इन सिलेंडर्स के आगे बड़े बड़े रबर के
टेंटैकल्स भी लगे रहते हैं जिनसे मुर्गियों को कोई खतरा नहीं होता है। जैसे कोई मुर्गी इसके संपर्क में आती है वह थोड़े समय के लिए इसमें फंस जाती है और यह मशीन मुर्गियों को अंदर ले लेता है, जिसके बाद मुर्गियों को इनके कंपार्टमेंट में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज के समय में वह पुराने तरीकों से मुर्गियों को तकलीफ देते हुए फार्मिंग नहीं की जाती, जो कि अभी की पोल्ट्री फार्मिंग का बेस्ट रेवोल्यूशन है। एक बार फिर से मुर्गियां जब कंपार्टमेंट में चली जाती है तो उन्हें फिर से उपलब्ध मात्रा में खाना और पानी दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट में जो अंडा आता है उन्हें कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए कंपार्टमेंट के नीचे एक छोटा सा अंडे कैच करने वाला स्टील का स्लॉट होता है, जिस स्लॉट में आराम से बिना टूटे अंडा फंस जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इतने प्रोसेस में थक गए हैं तो अभी सबसे बड़ी मुश्किल बाकी है, क्योंकि एक अंडा काफ़ी नरम होता है जिस पर थोड़ा ही दबाव डालने से वह पूरी तरीके से टूट सकता है। इसके लिए बहुत आराम से इन्हें पैक किया जाता है। अंडे को कन्वेयर बेल्ट पर आगे की तरफ भेजा जाता है, जहां पर अंडे के ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है ताकि अंडा पूरी तरीके से चकाचक हो जाए। एक बार अंडा पूरी तरीके से धुल जाता है, उसकी सारी गंदगी हट जाती है, तो अंडे को ग्रेड देने की बारी आती है। यहाँ पर सिर्फ अच्छी क्वालिटी के अंडे को ही आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए एक सेंसर डिवाइस से इन्हें गुजारा जाता है। यह डिवाइस हर सेकंड में 30 से ज्यादा अंडे को चेक करके बताता है कि कौन सा अंडा खराब है और कौन सा बढ़िया। एक बार जब डिवाइस को पता चल जाता है कि कौन सा अंडा खराब है, तो उस अंडे को आगे जाकर बाकी सभी अंडे से अलग कर दिया जाता है। यह प्रोसेस भी बहुत आराम से और ध्यान से होता है ताकि इसमें दूसरे अंडों को चोट ना लगे। यहाँ पर अंडों की दो तरीके से पैकिंग की जाती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनके योक को सेपरेट करके। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग एग योक यानी अंडे के पीले हिस्से और सफ़ेद हिस्से को अलग अलग करके खाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आज के समय में काफ़ी सारी कंपनियां अंडे के पीले वाले हिस्से को एक तरफ और सफ़ेद वाले हिस्से को दूसरी तरफ सेपरेट करके उन्हें बेचने का काम भी करती है। दोस्तों, सामान्य अंडों को सीधे पैकिंग में भेजा जाता है, उनको एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़कर आगे की तरफ पहुंचाया जाता है, जहां आकर एक सेक्शन पाइप अंडों को पकड़कर एक पैलेट ट्रे पर रख देता है और इसी तरह एक के ऊपर एक पैलेट ट्रे को रखा जाता है, जिसके बाद इसे पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट पैकिंग ऐसे होती है, बट जो योक वाला हिस्सा होता है उसकी पैकिंग कैसे होती है? दोस्तों, यहाँ पर सामान्य अंडे को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहाँ कन्वेयर बेल्ट के ऊपरी हिस्से पर एक लोहे की पतली सी प्लेट रखी जाती है। जैसे ही अंडा उस प्लेट के नीचे आता है, वह प्लेट अंडे को दबा देता है, जिससे अंडे से उसके अंदर का प्रोटीन बाहर निकल जाता है। अंडे का पीला वाला हिस्सा थोड़ा गाढ़ा होता है और सफ़ेद वाला उससे कम गाढ़ा होता है, इसलिए इन्हें एक स्पेशल डिज़ाइन पाइप स्लॉट की तरफ धकेला जाता है, जिससे अंडे का पीला वाला और सफ़ेद हिस्सा दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इन्हें अलग अलग करके पैक कर दिया जाता है। इससे लोगों को और भी सहूलियत मिलती है, जिन्हें जो हिस्सा पसंद है वो वही खाता है। अब इन योक को प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें एक ठंडे चिल्ड रूम में पैलेटाइज कर दिया जाता है, जिससे यह आगे कई हफ्तों तक चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं, इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजा जाता है और कुछ इस तरह मुर्गी से लेकर आपके प्लेट तक एक अंडे का सफर होता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को बनाने में हमें काफी रिसर्च लगती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।